जाने जिसके खुद के घर शीशे का हो वो दूसरों पे पत्थर नहीं फेंकते। गुड इवनिंग एवरीवन। तो मेरे चेहरे के ऊपर दर्द मत करना, जो भी देख रहे हो, जो भी जैसे भी हालत देख रहे हो, बस उसे डाइजेस्ट करते रहना, कमेंट बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि लास्ट दो चार दिन से हमारा जो हालत है वो आपको बहुत अच्छे से पता है। शिफ्टिंग का क्या साइड इफेक्ट होता है ये आपको पता है। पर तो मैं आज सुबह से मैं ट्राई कर रही थी, क्योंकि हिंदी चैनल में मेरे लास्ट दो दिन से शायद ब्लॉग नहीं गए, तो मैं ट्राई कर रही थी आपके लिए मैं ब्लॉग बना सकूँ। पर सुबह से इतना ज़्यादा किचन को क्लीन, लिविंग रूम को क्लीन करने में बिजी थी कि नहीं कर पाई, और इसी का फल है ये। सॉरी, पूरा किचन मैंने अच्छे से सेट कर लिया है, जिस तरह से बिल्कुल आप और मैं दोनों ही शो वाले के किचन देखना चाहते हैं, बिल्कुल इसी तरह से। सुबह मैं ब्लॉगिंग करने बैठ जाती ना, तो ये किचन आपको देखने को नहीं मिलता। यहाँ पे बोरी, वहाँ पे बोरी, चारों तरफ सारी चीज़ें। पर अभी अच्छा खासा चीज़ देखने को इसलिए मिल रहा है क्योंकि आज मैं और मासी दोनों ही बहुत ज़्यादा बिजी थे सुबह सुबह। जो भी हो, चलिए चाय बनाते हैं। चाय आपके साथ शेयर ना कर, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो जस्ट अभी अभी गैस सेट करके गया, मतलब यहाँ पे कोई पाइपलाइन जब पे नहीं है तो गैस सिलेंडर के बंदोबस्त हो गया। आज तो थोड़ा सा मूड अच्छा भी है, तो इसलिए सोच रही हूँ कि आपके साथ ब्लॉग बनाया जाए। अदरवाइज मैं लास्ट दो दिन से इंडक्शन में कुकिंग कर रही थी, और इंडक्शन आपको पता है एक चीज़ बिठाओ तो हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, फिर किसी को भूख लग रहा है, फिर से वो हो जाए, उसके बाद और एक चीज़, और कितने दिन बाहर का खाना खाए। तो चलो आज घर का खाना बन के, आज की रात टुकड़ो तो घर का खाना, तो हो रो आज रात भी घर का खाना खाए, फिर भी अभी तो मैंने बोला आज रात का नहीं, आज घर का खाना बनेगा, बना भी और अभी बनेगा। हाँ, जो भी हो, आज फर्स्ट हमने लास्ट चार दिन के बाद आज हमने कुछ बाजार की है, जो कि एक रोहू फिश लाए हैं इतना बड़ा, तो उससे भी थोड़ा सा लंच के लिए बनाया, और कल से बनाऊंगी। इतना टेस्टी था, भूख के मारे टेस्टी लगा कि नहीं मुझे पता नहीं, पर बहुत अच्छा था वो फिश। और क्या बना था, दाल और आलू भाजा, आलू जो कि आलू का फेवरेट है। और रात को क्या बनाऊंगी कुछ अता पता नहीं, क्योंकि सब्जी है बहुत ज़्यादा, पर क्या बनाऊंगी कुछ अभी तक तय नहीं किया, क्योंकि आधे चीज़ अभी भी उस रूम में है, मतलब उस पहले वाले फ्लैट में है, तो बहुत सारे मसाले अभी भी वहाँ पे हैं, कुछ यहाँ पे है, तो बनाने के लिए जो जो सारी चीज़ चाहिए वो तो इकट्ठा होना चाहिए ना, वो पता नहीं। परेशान होके हम ये खरीद के लेके आ गए एयर कूलर। अनफॉर्चूनेटली इससे भी काम नहीं चल रहा है, इससे भी काम नहीं चल रहा है, पूरे चारों तरफ ग्लास है, और धूप जब ग्लास के ऊपर पड़ता है तो वो उसका जो हीट है वो हमारे ऊपर पड़ता है, और हम जल जा रहे हैं, बिना आग के जल रहे हैं हम एवरी डे। ओह देखो, चाय पीना भी मुश्किल हो रहा है, डाउट हो रहा है कभी कभी कि एसी क्या ऑन है, एसी क्या ठीक ठाक है, हमें बुद्धू तो नहीं बनाया कि एसी इतना गर्मी, इतना गर्मी ना, इसका कारण एक ही है, इतना शीशा है। जानी जिसके खुद के घर शीशे का हो वो दूसरों पे पत्थर नहीं फेंकते। पर मुझे एयर कंडीशनर किचन मिला है, वो किचन का जो दो साइड का विंडो है ना, वो विंडो अगर मैं थोड़ा सा ओपन रखूँ ना तो इतना हवा आता है, तो उस टाइम में इंडक्शन में आपको कुक करना पड़ेगा, उस टाइम में अगर गैस ऑन ना करें तो मुश्किल हो जाएगा। अब बहुत दिनों बाद घर आया, पूजा पोती बिस्कुट, ये बिस्कुट मुझे हमेशा बचपन का याद दिला देता है, तुमसे नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा।
कभी रात का खाना बना लेते हैं। मुझे चाहिए क्यूकुम्बर, ये खाना बनाने के लिए मुझे सलाद चाहिए हर एक चीज में, रोटी हो या ऐसे ही मतलब सिर्फ कुछ खा लो या राइस के साथ। तो आज बनेगा घर में कैबेज, बड़ा बड़ा दो कैबेज लाई थी। तो कैबेज इसमें है स्प्रिंग अनियन, नहीं नहीं रोशन कोली, स्प्रिंग अनियन सॉरी, टाइम आप। तो प्याज के जैसे होता है ना कि प्याज कली हम बोलते हैं, तो प्याज के पत्तियां, तो ये है लहसुन की पत्तियां। तो मुझे इतना बड़ा एक गांठ मिला तो मैंने पूरा ले लिया, क्योंकि ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। चाइनीज कोई भी डिश बनाओ, तो मैं सोच रही हूँ कि कल थोड़ा सा फ्राइड राइस बनाए, फ्राइड राइस में आप यूज़ कर सकते हो, चाउमीन में यूज़ कर सकते हो, पर चाउमीन कुछ हजम नहीं होता क्योंकि वो मैदे का है। अगर थोड़ा सा कल मैं फ्राइड राइस बनाते तो उसमें डाल दूंगी, और आज अभी कैबेज बना लेते हैं। यहाँ पे मैंने राइस चढ़ा दी है ऑस्कर और आर्यन के लिए, क्योंकि हर रोज दोपहर का राइस रहता है, पर आज वो भी नहीं है। आजकल राइस बन ही नहीं रहा है ठीक ठाक से, तो रहेगा कैसे। तो इसलिए दोनों के लिए राइस चढ़ा दी है, वो लोग दाल और कैबेज के साथ खा लेंगे, और अगर जरूरत पड़े तो एग है तो एग ऑमलेट कर दूंगी। ऑस्कर के लिए तो मटन है, और हम लोग कैबेज के साथ रोटी, जिस दिन चिकन या पनीर ऐसा कुछ होता है तो उस दिन मैं रोटी नहीं लेती, और जिस दिन सब्जी होता है तो उस दिन ओनली सब्जी, मतलब जैसे कि कैबेज ओनली कैबेज अच्छी नहीं लग रहा ना, इसलिए एक रोटी ले लूँगी। इतने दिनों बाद कैबेज कट रही हूँ, क्योंकि आजकल हमारे घर में कैबेज आता ही नहीं है, आज बहुत फ्रेश मिला था स्पेशल में, तो इसलिए लेके आई। जब कूलर खरीदने गई थी ना तो उस टाइम में डिस्पेंसर होके आई थी। बहुत अच्छा बना, क्योंकि इसमें थोड़ा सा मैंने घी और गरम मसाला ऐड किया है। अभी चल रहा है ऑस्कर का खाने का इंतजाम, तो ऑस्कर को अभी पहले खिलाऊंगी और उसके बाद हम लोग खाएंगे।
तो जैसे कि आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि हमारे यहाँ हो रहा है तूफान, छोटा सा है बट अच्छा हो रहा है, और थोड़ी देर पहले और अच्छा हो रहा था। ऑस्कर यहाँ पे खड़ा था इस जगह पे, और ऑस्कर का बाल ऐसे उड़ रहा था, इतना जोर से हवा आ रहा था। कोई भी खाना हो आर्यन आराम से खा लेगा, मतलब कोई मतलब कोई भी नॉन वेज हो या कुछ भी हो, पर अगर कैबेज हो तो वो मम्मा को ही खिलाना पड़ेगा। कोई भी वेज हो क्यों, पनीर तू पनीर से खाना है, उसके अलावा आलू भिंडी। अच्छा अच्छा इसलिए एक ही प्लेट में ले लिया। तो चलिए अभी चलते हैं सोने, काफ़ी रात हो भी चुका है और आज किचन में इतना टाइम लगा क्योंकि नया किचन जब होता है ना तो आपको याद नहीं रहता कहाँ पे कौन सा चीज़ है, कौन सा चीज़ अपने कहाँ पे रखा है। ये बुक शेल्फ अभी भी खाली है, इसे भी भरना है। मंदिर भी खाली है, मंदिर में भगवान जी को रखना है। ये माँ आर्यन तोर ये सब रख दीजिए जा आर्यन के बेडरूम में सारी चीज़ें। चलो देखते हैं भी हमारा बेडरूम का हालत क्या है। हमारे बेडरूम में फिर भी कम, इसे अभी उठाना है। चलो सोचा था कि थोड़ा सा सोएंगे आके क्योंकि बहुत ज़्यादा थकावट हो रही है अभी, पर किस्मत में नहीं है अभी सोना। हाँ क्या करे, किस्मत में नहीं है अभी सोना, अभी ये सब चीज़ वहाँ पे डंप करना है और फिर सो जाएंगे क्योंकि कल ये बेड स्टोरेज है इस बेड में, तो इसे उठा के अच्छे से आराम से सारे चीज़ यहाँ पे रखेंगे फिर मतलब ये सब चीज़ क्लियर होगा। तूफान था वो तूफान, इतना जोर से लग रहा था कि पूरा कांच टूट जाएगा आज, इतना ज़्यादा हवा चल रहा था। पर बारिश एक बूंद भी नहीं गया क्योंकि रास्ते पे भी थोड़ा सा भी पानी का बूंद नहीं है और ये बैल्कनी में भी थोड़ा सा भी पानी का बूंद नहीं है, पर बहुत तो ना अचानक से ये तूफान शुरू हुआ था। रात को ना ये जो एरिया है यहाँ पे रात को बहुत ज़्यादा सुनसान रहता है, दूर के जो बिल्डिंग्स है दूर के जो ऑफिस है वहाँ का लाइट सबको देखने को मिलेगा, पर यहाँ पे कोई भी मतलब कार का हॉर्न और लोगों का शोर शराबा ये सब नहीं मिलेगा। बहुत शांत नाइट है और बहुत ही शांत मॉर्निंग है, मुझे भी काफ़ी पसंद है ये जगह। ओ अच्छा आपको मैं मेरा प्रीवियस सोसाइटी दिखाती हूँ, दिखेगा यस देखते ट्राई करूँगी पर डे टाइम में दिखाना पड़ेगा। वो मेरे फिंगर के बराबर कुछ लाइट्स आपको दिख रहा है ना दूर से, वो मेरा सोसाइटी था पहले वाला, ये नीचे जो लाइट से ये वहाँ का जो बैल्कनी था वहाँ से ये सोसाइटी दिखता था। मैंने आपको दिखाई भी थी एक किसी ब्लॉग में, और यहाँ से भी वहाँ का सोसाइटी दिखता है, मतलब साइड दोनों का ही सेम पड़ा है ताकि वहाँ से यहाँ दिखे ये दिखे और यहाँ से वो दिखे। जब भी मेरा मन करेगा ना तो मैं एक बार देखूँगी, कभी शाम मेरा उस सोसाइटी में मतलब बीतता था और अभी मेरा शाम इस सोसाइटी में बीतता है। ये सब छोटी छोटी चीज़ है ना जो अगर आप याद करो बहुत मतलब मीनिंगफुल है, और अगर अगर सोचो कि अरे ये सब याद करके क्या फालतू की चीज़ें, तो हाँ फालतू की चीज़ें, पर मुझे ये सब छोड़े हुए चीज़ें जो बहुत ही अच्छी यादें मुझे लेके चलना बहुत अच्छा लगता है। जहाँ पे आप अपना टाइम स्पेंड करो अपने फैमिली के साथ,
अमित उनके साथ पहला मुलाकात, गुवाहाटी का वो रेंट का हाउस जहाँ पे आर्यन पैदा हुआ था, ये सब मुझे कभी कभार जब टाइम मिलता है ना तो बैठ बैठ के मैं याद करती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। और जब ये सोचती हूँ कि आज मैं ये सारी बातें बोल रही हूँ और आज मैं यहाँ पे हूँ, आज से 3-4 या 5 साल बाद कहाँ पे रहूँगी, तब सोच के मतलब लगता है अगर काश कोई आके मुझे बता दे कि मैं 5 साल बाद 4-5 साल बाद कहाँ पे रहूँगी, पहले अगर मैं जान पाती तो कितना अच्छा होता ना। स्क्रबिंग, मम्मा बहुत थकी हुई है, स्किन केयर नहीं कर पा रही है, तो मम्मा के लिए स्पेशल वाला स्क्रबिंग, ऑस्कर वाला स्क्रबिंग। ऑस्कर सबको अभी ब्यूटी पार्लर का सर्विस दे रहे हैं फ्री। कल जबकि पूरा शिफ्टिंग हो रहा था तो घर में लोग ही लोग थे, ऑस्कर को एक रूम में बंद करके रखना कितना इम्पॉसिबल था आप सोचो। उसके साथ मुझे रहना पड़ा इस रूम में, इस मतलब फ्लैट में आने के बाद उसके साथ मुझे रहना पड़ा। तो मैंने क्या किया, मिथुन मुझसे कुछ पूछ रहे थे, मुझे उनको भी आंसर देना था, तो मैंने क्या किया, एक दरवाज़ा को, एक पैर मेरा दरवाज़ा के इस तरफ बाहर और एक पैर मेरा घर के अंदर, इस तरह से मैं बैठी थी ताकि थोड़ा सा ये रहे और ऑस्कर अगर बाहर जाना भी चाहे तो भी ना जा पाए, मैं कंट्रोल में रख सकूँ दरवाज़ा को। फिर ऑस्कर पूरे टाइम मेरे एक पैर के ऊपर ऐसे कर गया, बिल्कुल ऐसे, सारे लोगों को देख रहा था, किसी के ऊपर भी नहीं भौंका। उसके बाद जब सारे लोग चले गए, जब मैं नहा धोके मतलब पूरा तैयार होके जब मैं मतलब बैठी तो देख रही हूँ मेरे थाइस के ऊपर ऑस्कर के नाखून के रेड स्क्रैचेस, थोड़ा सा क्या बोलूँ, डिगिंग टाइप्स, मतलब वो स्लीव का भी पीछे की तरफ जा रहा था ना, तो मेरे पैर को और भी ज़्यादा अच्छे से पैर में ग्रिप पाने की वो कोशिश कर रहा था। तो क्या होता है, उसका जो नेल है नेल से बिल्कुल खड़ोच, और उस टाइम में मेरा कॉन्सेंट्रेशन फुल था वो शिफ्टिंग की तरफ, और मैं एक ट्राउज़र भी था तो उस टाइम में कुछ मालूम नहीं पड़ा। उसके बाद जब नहाने के लिए बाथरूम गई उसके बाद मैं देख रही हूँ पूरे पैर में एकदम से लाल 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 बिल्कुल स्क्रैच, बिल्कुल बच्चों की तरह पूरा मेरे गोद में बैठ के पूरा शिफ्टिंग देखा। तो चलिए गाइस अभी इस वीडियो को हम एंड करते हैं क्योंकि काफ़ी टाइम हो भी चुका है और थकावट भी बहुत महसूस हो रही है। तो कल के नए वीडियो के साथ आपसे मिलेंगे, तो चलिए तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर।